फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीसी स्कूल क्लास सेकंड। बच्चों, लास्ट वीडियो में बंटी चला स्कूल, इसके आपने प्रश्न उत्तर किए। आज बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा बोध। प्रश्न नंबर क्या है बच्चों? समान अर्थ वाले शब्दों को सुमेल कीजिए। सुमेल मिलान। देखिए बच्चों, समीप, मुख, स्वयं, प्रत्यक्षा, चित्र, प्रश्न। दूसरी तरफ है बच्चों, अपने आप, इंतजार, तस्वीर, खुश, मुंह, नजदीक। इन्हें आपने, तो बच्चों आपने समान अर्थ को मिलाना है। समीप, समीप का होता है बच्चों नजदीक। तो हम एक नंबर को बच्चों रह से मिलाएंगे, समीप, नजदीक। मुख, मुख का अर्थ होता है बच्चों मुंह। हम दो को बच्चों यह से मिलाएंगे, मुंह। तीसरा है बच्चों स्वयं, स्वयं का होता है बच्चों अपने आप। देखिए बच्चों, ए, तीन को हम ऐसे मिलाएंगे। चार है बच्चों प्रतीक्षा, जिसका अर्थ होता है बच्चों इंतजार। देखिए बे नंबर पे लिखा है इंतजार, हम चार को बे से मिलाएंगे। पांच नंबर है बच्चों चित्र, चित्र का होता है बच्चों तस्वीर, हम पांच को बच्चों से मिलाएंगे। छह बच्चों प्रश्न, प्रश्न का होता है खुश, हम छह को दे से मिलाएंगे। प्रश्न नंबर छह, विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े पर लगाइए, सही का निशान लगाइए। पहला है बच्चों छोटा, लंबा, ये विपरीत नहीं है बच्चों, छोटा का विपरीत होता है बड़ा। मोटा, पतला, ये सही है बच्चों। रात, दिन, ये सही है बच्चों। निकट, दूर, ये सही है बच्चों। टेढ़ा, मेढ़ा, ये सही है बच्चों। चलना, फिरना, बच्चों ये सही नहीं है, इसे हम क्रॉस करेंगे। आगे, पीछे, ये सही है बच्चों। सच, मुच, मुच नहीं होता है बच्चों, सच झूठ होता है, तो हम कट करेंगे। प्रश्न नंबर क्या है बच्चों? निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो बच्चों बंदर, वानर, पेड़, वृक्ष, हाथी, गज। प्रश्न नंबर ग है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को किन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है? समीप, ई, पेड़, ए, राजू, रा, आ, जू, ऊ, नीचे, ई, ए, नीचे, तैयार, आई, या, आ, आधी, आ, धी, ई, प्रतीक्षा, ती, ई, शा, आ, छुट्टी, ऊ, टी, ई। इस तरीके से बच्चों अपने भाषा बोध हमने प्रश्न नंबर कैसे ग्रह किया। आज का आपका होमवर्क है बच्चों, देखिए बच्चों आपको पेज नंबर दिखाई दे रहा होगा 55, फिल पेज नंबर 55 भाषा बोध एंड लर्न आल्सो। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।